नमस्कार, डीपी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। रायपुर में होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस के दिग्गज नेता होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल। सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस को बताया महिला विरोधी, कहा आरएसएस में आज तक कोई महिला पदों पर नहीं पहुंची। और कौशल्या मंदिर का नारियल लेकर पहुंचे कर्मचारियों को कृषि मंत्री ने लौटाया, नारियल लेने से इनकार करते हुए रविंद्र चौबे ने कहा, समय लेकर मंत्रालय आना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गठित कांग्रेस संचालन समिति की पहली बैठक है। बैठक में तय हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुझे बताते हुए खुशी है कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां अधिवेशन रायपुर में फरवरी माह में होगा। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल होगा। बताया जा रहा है कि इस अधिवेशन में पूरे देश से कांग्रेसी पहुंचेंगे। हर राज्य की कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा AICC के तमाम दिग्गज भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। पिछली बार दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में करीब 12,000 लोग देश भर से पहुंचे थे। इस बार भी 10,000 से अधिक कांग्रेस नेताओं के रायपुर पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि आरएसएस में कोई महिला विंग ही नहीं होता। आज तक कोई महिला सरसंघ चालक, सह कार्यवाहक ऐसे पदों पर नहीं पहुंची। इनकी तो मानसिकता ही महिला विरोधी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम तो जय सिया राम बोलते हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा है, आरएसएस तो महिला विरोधी ही है। वहां महिलाएं कहां हैं? यह कहकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के एक बयान का समर्थन किया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा था कि संघ वाले जय श्री राम बोलते हैं, न कि जय सिया राम। वैसे भी महिला विरोधी था ही इसके संगठन में, कहां महिला भी है? आरएसएस में कोई महिला भी है क्या? महिलाओं का तो है ही नहीं। कभी वो महिला उसके सर क्या बोलते हैं, सर संचालक नहीं बनते है ना, सरकार वाहक नहीं बनते। तो ये तो महिला विरोधी उनके मानसिकता है ही, तो वो तो उनके नारों में भी परिलक्षित होता है। और हम लोग तो सीधा हे राम है, जय सिया राम लगातार हम लोग बोलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक को चुनावी हथकंडा बताए जाने पर भाजपा को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें भाजपा का मानसिक दिवालियापन है, एक उपचुनाव में इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए फेस सेविंग के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये चुनाव से उपचुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए, ये एक्चुअल में वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, तो अपने फेस सेविंग के लिए बात कर रहे हैं, ताकि जब रिजल्ट आए तो अपने आला कमान को बता सके कि हम लोग इस कारण से हारे हैं। तो वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे हार रहे हैं। चंदखुरी में स्थित माता कौशल्या के मंदिर का नारियल लेकर पहुंचे संविदा कर्मचारियों को प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वापस लौटा दिया। कृषि मंत्री ने नारियल लेने से इनकार करते हुए कहा कि समय लेकर मंत्रालय आना। विगत लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संविदा कर्मचारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात करने उनके बंगले पहुंचे, लेकिन कृषि मंत्री ने संविदा कर्मचारियों को समय लेकर मंत्रालय आने की बात कहते हुए वापस लौटा दिया। कर्मचारियों के संगठन से जुड़े हेमंत सिन्हा ने बताया कि पिछले दिनों चंदखुरी तक कर्मचारी पैदल यात्रा निकाल कर पहुंचे थे, माता कौशल्या के दरबार में मत्था टेक कर नियमितीकरण की मनोकामना मांगी थी, हजारों दीपक जलाए थे। वहीं मनोकामना नारियल हम मंत्री को भेंट कर अपनी समस्या साझा करना चाहते थे, मगर उन्होंने नारियल लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मंत्रालय आकर मिलना। आरक्षण विधेयक पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि सत्ता पक्ष ने जल्दबाजी में आरक्षण बिल पेश किया है, ना कोई होमवर्क किया ना कोई तैयारी, विपक्ष की बात को भी नहीं सुना गया, बहुमत का दुरुपयोग करते हुए आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया कि सदन में डाटा ही पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर चर्चा होनी थी। यह सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया, चूंकि मामला आदिवासी भाइयों, ओबीसी, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से जुड़ा था, इसलिए हमने समर्थन किया।
नारायण चंदेल ने कहा कि हमने राज्य सरकार से मांग की है कि आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी वर्ग को 27 और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया जाए। मौजूदा व्यवस्था में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 13% और EWS को सिर्फ 4% आरक्षण दिया जा रहा है। हम इसे लेकर कानूनी सलाह ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन के लिए संभावित समय सारणी बनाई गई है। वंदे भारत ट्रेन का बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर स्टॉपेज दिया जाएगा। यह गाड़ी शनिवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।